पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बैजनाथ मंदिर के पास एक बहुउद्देशीय झील की योजना का कार्य जारी है। 12 करोड़ की यह परियोजना बनने के बाद पर्यटन को बढ़ावा मिलेगी, ऐसा सिंचाई विभाग बोलता है। पर स्थानीय लोग झील की वर्तमान स्थिति से नाखुश हैं। सिंचाई की वर्तमान स्थिति से भी लोग खफा हैं। से झील बनी है, हमारे एक साल से खेत ही बंजर है, वहाँ न पानी मिल रहा है। पहले वहाँ ऊपर पंप लगा था। अगर सरकार इतनी जागरूक होती तो किसी हालत से वो जनता को पानी देती, हमको पानी दे, तब हम वो झील से सहमत होंगे। नहीं तो हम वो झील बनने से हमको कोई खुशी नहीं। हमको तो और जो अब हम पानी के लिए रात रात दिन दिन तरस रहे हैं। हम नदी में पानी सब सूख गया, जो झील बन रही उसके फील्ड से पूरा पानी सुखा दिया। अब हम कहाँ से पानी लाएंगे? पीने के पानी की हमारे काफ़ी समस्या है, पेयजल की और ये सिंचाई की समस्या है। अगर झील बन जाए तो इसमें इस क्षेत्र से एक बृहद पेयजल योजना इसे बननी चाहिए, जिससे पूरे कत्यूर घाटी को इसका पेयजल का लाभ मिल सके। 2 साल से झील का कार्य जारी है। जिलाधिकारी बागेश्वर ने सिंचाई विभाग को साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं कि झील निर्माण के कार्य में हील हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी, पर प्रशासन की लापरवाही और सुस्त चाल के चलते झील निर्माण कार्य कछुए की चाल से चल रहा है। झील बनने से ठीक है, यहाँ तो सबसे पहले है कि पर्यटक को बढ़ावा मिलने के कुछ ऐसा हमें नजर आ रहा है, यदि झील समय से बन जाए और कार्य चल रहा है इसमें। लेकिन जिस गति से कार्य होना चाहिए था नहीं हो पा रहा है, और ना ही इसमें जनप्रतिनिधियों का भी कोई दिशा निर्देशन सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। झील स्थल पर विभाग की पुरानी लिफ्ट योजना, सिंचाई लिफ्ट योजना के टूटने से लोगों को सिंचाई संबंधी दिक्कतें भी हो रही हैं और लोग इस बारे में शिकायत भी कर रहे हैं। लोगों को सिंचाई संबंधी समस्या का सामना न करना पड़े, इस बारे में झील प्रशासन और विभाग कुछ कहने से मुकर जाता है। उत्तराखंड बैजनाथ से मैं विपिन जोशी, इंडिया अनहर्ड के लिए।